सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमारे साथ नेहा मैम है और नेहा मैम का आज ये 7 डे है। सो मैम दो तीन दिन से अब अपने स्कूटी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो मैम अच्छा चला रहे हैं, अभी मैम को रेस पे कंट्रोल करना सिखाया है। देखिए चलाना एक अलग चीज़ है लेकिन धीरे चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी आप चलाने लगते हैं तो धीरे चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, रेस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। रेस को डाउन कीजिए, फिर आप कीजिए, फिर डाउन कीजिए, फिर आप कीजिए, और उसकी एडजस्टमेंट को समझना है कि आपको उसको धीरे कब करना है और तेज़ कब करना है। रोड पे जाने की टेंशन मत लीजिए, जब आप धीरे चलाना सीख जाएंगे तो रोड पे भी सेम एज इट इज़ चलती है, तो रोड पे भी आप इजीली चला पाएंगे। लेकिन उससे पहले है ज़रूरी सीखना कि आपको इंडिकेटर पे हॉर्न पे हाथ सेट करना और धीरे चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पता लगना चाहिए कि आप धीरे कर रहे हो और स्कूटी का जो रेस है उसको जल्दी से अपने करना। ठीक है, मूवमेंट ये चलो, हाँ चलाओ रेस, ये मूवमेंट सही करो हैंड्स की ना। देखो अभी हैंड देखना मैम का, देखो होल्ड किया और जब भी आप ऊपर उठाते हैं ना तो पहले एक रेस पैर दीजिए फिर उठाइए। हाँ ये ठीक है, मतलब जब भी आप ऊपर रखते हैं ना पैर तो पहले तीन से चार बार स्टेप लीजिए पैरों को नीचे रख के। नहीं तो देखो अभी जैसे ये प्रॉब्लम आई है ना, ये आती है प्रॉब्लम जब हम पैर ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो पहले 2 से 3 बार स्टेप लीजिए। उससे क्या होता है कि आपका हैंडल कंट्रोल हो जाता है, रेस एक स्पीड में हो जाती है तो उसकी वजह से फिर हैंडल सही होने लगता है। नहीं तो आप जैसे ही पैर ऊपर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अभी मैम को टर्न सिखा रहे हैं, आ गया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ जगह पर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी ठीक है फिलहाल, बहुत अच्छा है टर्न। पहले इस टर्न पे ना घुमाएं, पहले अपोजिट हैंड पे घुमाएं राइट हैंड पे, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड पे घुमाएं। ठीक है, जब भी आप सीखें रेस काम करना मैम। अभी भी मूवमेंट नहीं आ रही, मूवमेंट करो पूरी। ये जो आपकी रिस्ट है ना, सिर्फ रिस्ट वर्क करती है जब हम धीरे चलाना सीखते हैं, तो जस्ट रिस्ट को आपको ये फील करना है कि मुझे स्कूटी की रेस को कब उठाना है और कब डाउन करना है। देखिए मेरा तरीका ऐसा है कि मुझे पीछे भागना नहीं पड़ता। ठीक है, और वीडियोस में आप देखेंगे तो लोग पीछे भागते रहते हैं ट्रेनर्स, तो ऐसा भागने की ज़रूरत नहीं है। रेस अच्छे से सिखा दीजिए तो आपको खड़े होकर आप इनको और मैनेज करा सकते हैं और चीज़ें गाइड कर सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन में मैम चलाने लगे ऐसे अकेले, तो ये इसी वजह से क्योंकि सिखाया मैम को ऐसा है रेस पे। ठीक है, तो धीरे चलाना सीखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोड पे जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कभी किसी ने कुछ चीज़ चलाई नहीं और आप सोचे कि रोड पे लेकर जाए, तो धीरे चलाना सीखिए उसके बाद रोड पे आराम से जाइए। धीरे चलाना जब तक नहीं आएगा जब तक रोड पे ले जाना बेकार है, इससे अच्छा धीरे चलाइए। ठीक है, रेस का एडजस्टमेंट सीखिए, जो हिलने डुलने लगती है वो सिर्फ रेस के एडजस्टमेंट के कारण, कि आप उसे जल्दी उठा लेते हैं या फिर लेट उठाते हैं। मैम रेस के एडजस्टमेंट अभी नहीं आ रही है, पूरी क्लोज करो हैंड्स जो है ना, रिस्ट जो है इसको पूरा क्लोज करो, ये जो मूवमेंट है ना इसकी, ये पूरी क्लोज होनी चाहिए, फिर उठाना है, फिर क्लोज करना है, फिर उठाना है, ऐसे करो। ठीक है, अभी नहीं आ रही मूवमेंट, करो फिर से करो, फिर बाहर चलते हैं। चलो रेस दो, हाँ रेस दो, रेस दो, रेस दो, अब रखो पैर ऊपर, अब हल्का करो, हाँ ये अब उठाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए जब भी सोचे ना आपके अब रेस काम करना है आपको, वो इस पॉइंट पे नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी, जो भी हिल डुल रही है आप शुरू में उसको कम कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहले आप रेस दीजिए, रेस देने के बाद एक फ्लो में स्कूटी बन जाए, उसके बाद पैर ऊपर रखिए, उसके बाद आपको रेस को कम करना है, पूरा हैंड्स की मूवमेंट जो मैंने आपको बताई, पूरा हैंड कम करना है, फिर उठाना है, फिर कम करना है, फिर उठाना है। ठीक है, तो रोड पे ले जाने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हॉर्न पे हाथ सेट कीजिए, इंडिकेटर पे हाथ सेट कीजिए, इजीली आप रोड पे भी चला पाएंगे, क्योंकि सिंगल रोड पे बहुत इजी होता है चलाना, सामने सामने से रोड से गाड़ी जा रही होती है, आप अपने फोकस करके देखो। हाँ वेरी गुड मैम, बहुत अच्छे, अब कम करना, हाँ ये मोमेंट एक्चुअली आनी चाहिए जब आप धीरे चलाना सीख रहे हो, और आपको सबसे मेन चीज़ आपको फील होना चाहिए कि मुझे इसे कब कम करना है, कब उठाना है। उठाना उस सेंस में है कि जैसे स्कूटी डिसबैलेंस होने लगे उस पॉइंट पर आप उसको उठाइए, है ना। और क्लोज क्या है, बंद कब करना है, जब जैसे ही आप धीरे करने की कोशिश करेंगे बंद कर दीजिए उसको, और जैसे ही लाइक हिलने डुलने लगे और ऐसे वैसे हो तो फिर तो कोशिश कीजिए रोक ही लें, या तो फिर रेस दे के उठा लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो आई होप आप मेरी वीडियो से सीख रहे होंगे, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छे। एक बार आप घुमा के ले आओ आगे से। सो कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए,
मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको कॉल पे गाइड करने की। थैंक यू सो मच।